शनिवार को विकसित भारत संकल्प यात्रा अपने 90वें दिन के पड़ाव पर छावनी क्रमांक एक शासकीय स्कूल पहुंची, जहां प्रथम पाली का शिविर लगाया गया। यहां खास बात यह रही कि यहां छावनी स्वामी आत्मानंद स्कूल के साथ आसपास के स्कूलों के छात्राओं ने शिविर में रंगारंग प्रस्तुतियां देकर समा बांधा और खूब वाहवाही लुटी। विकसित भारत संकल्प यात्रा शनिवार को अपने 90वें पड़ाव के दिन छावनी एवं हुडको में शिविर लगाकर लोगों को केंद्र शासन की जन कल्याणकारी योजनाओं को जन जन तक पहुंचाने और इसका लाभ दिलाने पहुंची। इन शिविरों में लगातार योजनाओं का लाभ लेने जन सैलाब उमड़ रहा है और लोगों को भी योजनाओं का लाभ बखूबी मिल रहा है। इन शिविरों में खास तौर पर उज्ज्वला योजना और आवास योजना पर आम जनमानस का रुझान ज्यादा ही दिख रहा है। इसके अलावा राशन कार्ड, आयुष्मान कार्ड, विश्वकर्मा योजना के साथ लोग निशुल्क स्वास्थ्य शिविर का लाभ भी उठा रहे हैं। शनिवार को छावनी में लगाए गए शिविर में छावनी के स्वामी आत्मानंद स्कूल सहित खुर्सीपार के कुछ स्कूलों की छात्राओं ने सांस्कृतिक प्रस्तुतियों के माध्यम से छत्तीसगढ़ के पारंपरिक गीतों और नृत्यों की झांकियां दिखाई, जिसने शिविर में उपस्थित सभी लोगों का मन मोह लिया। शिविर की जानकारी नगरपालिक निगम भिलाई के जन संपर्क अधिकारी शरद दुबे ने मीडिया को दी है। ये विकसित भारत संकल्प यात्रा का ये 9वां दिन का पड़ाव है, जो छावनी के शासकीय स्कूल में आयोजित किया गया है। साथ ही एक दिन में दो शिविर आयोजित किए जा रहे हैं। दूसरा शिविर हुडको में परी गार्डन के पास आयोजित किया गया, जो 2 बजे से प्रारंभ होगा। छावनी में जो आयोजित शिविर है, उसमें लोगों के जन कल्याणकारी योजनाओं को जोड़ने के लिए स्टॉल लगाए गए हैं 17 वर्ष योजनाओं के। साथ ही बच्चों का सांस्कृतिक कार्यक्रम, जो आसपास के स्कूल के बच्चे हैं, उन्हें अपने उनके अंदर की प्रतिभा को उभारने के लिए शिविर स्थल पर सांस्कृतिक कार्यक्रम प्रतिदिन के द्वारा प्रस्तुत किया जा रहा है। आज आत्मानंद स्कूल के बच्चों ने कुर्सी पार के बच्चों ने आज बहुत शानदार प्रस्तुति दी है और लगातार क्रम जारी है सांस्कृतिक कार्यक्रम का। साथ ही लोग इस पंडाल पर आकर अपना आधार अपडेशन और साथ ही प्रधानमंत्री विश्वकर्मा योजना जैसे महत्वपूर्ण योजनाओं को से जुड़कर अपना लाभ ले सकते हैं। शनिवार के दिन लगे इन दोनों शिविरों में आम जनमानस ने विभिन्न योजनाओं का लाभ उठाने अपना पंजीयन कराया। ग्रैंड एशियन न्यूज के लिए भिलाई से संतोष शर्मा की रिपोर्ट।